और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। तो दोस्तों, अभी के टाइम पर आपको 20,000 की रेंज में काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें से हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000। इस वीडियो में मैंने स्मार्टफोन के बारे में आपको बताया है, उन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात करते हैं हमने उसके नंबर 5 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आती है रियलमी की तरफ से, रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G एंड रियलमी 10 प्रो। अगर आपको अभी के टाइम पर रियलमी का कोई लेटेस्ट वाला स्मार्टफोन चाहिए तो 10 प्रो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगी। बट फिलहाल इस वीडियो में हम रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G के बारे में बात करने वाले हैं। बात करते इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 6.4 इंच की एक फुल HD सुपर AMOLED स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को। 360Hz तक का टच टाइमिंग रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा एंड सिक्योरिटी के लिए इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है एंड म्यूजिक एंड गेमिंग के लिए इसमें आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर अगर बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 वाला एक 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। इस प्रोसेसर का अंतिम स्कोर आपको 400,000 के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे स्मार्टफोन में आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। बात करते हैं इस फोन के कैमरा स्टेप के बारे में, तो इसमें आपको पीछे तक ट्रिपल कैमरा स्टेप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल के सेल्फी फीचर दी गई है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे से आप 4K तक के वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर पाएंगे एंड उसके साथ साथ अल्ट्रा स्टडी मोड, नाइट मोड एंड पोर्ट्रेट मोड जैसे काफी सारे फोटोग्राफिक मोड भी देखने के लिए मिल जाएंगे। 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जिंग ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। एंड फाइनली स्मार्टफोन के प्राइसिंग पर आए, इसके 8GB 128 के लिए आपको 16,999 रुपए पे करने होंगे। उसके बाद बात करते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 4 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आती है वीवो की तरफ से, वीवो T2 5G। यह स्मार्टफोन वीवो T1 का सक्सेसर है, जिसमें आपको काफी सारी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। स्पेशली वीवो के स्मार्टफोन डिजाइन एंड कैमरा के लिए काफी पॉपुलर है। बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 6.38 इंच की एक फुल HD AMOLED स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 90Hz के अडैप्टिव रिफ्रेश रेट को। 360Hz तक का टच टाइमिंग रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। एक्यूरेटिक के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड की गई है। जनरली इस प्राइस पॉइंट पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखना काफी बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 695 वाला एक 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जिसका अंतिम स्कोर आपको 4.1 lakh के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। 6nm टेक्नोलॉजी पर यह स्मार्टफोन वर्क करती है, आउट ऑफ द बॉक्स या को एंड्रॉइड 13 पर रन करते हुए देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इस फोन के कैमरा स्टेप के बारे में, इसमें आपको पीछे की तरफ डुअल कैमरा स्टेप देखने के लिए मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है विथ OIS एंड EIS, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ शूटर। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी फीचर दी गई है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे से आप डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड एंड काफी सारे फोटोग्राफिक्स मोड देखने के लिए मिल जाएंगे एंड साथ ही इसमें आपको 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 44W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एंड फाइनली स्मार्टफोन के प्राइसिंग की बात करें, तो इसके 6GB 128 के लिए आपको 18,999 रुपए पे करने होंगे। उसके बाद बात करते हैं हमारे लिस्ट नंबर 3 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आती है OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord CE3 Lite। अगर आपको OnePlus की ब्रांडिंग वाला कोई स्मार्टफोन चाहिए, वो भी अंडर 20,000 के आसपास, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए ही। बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 6.72 इंच की एक फुल HD IPS LCD स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को। मानता हूं कि OnePlus को इस प्राइस पॉइंट पर एक AMOLED स्क्रीन देनी चाहिए थी, बट कोई ना, इसमें आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिल जाता है। 240Hz तक का टच टाइमिंग रेट के साथ ये स्मार्टफोन आता है एंड सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है एंड गेमिंग एंड म्यूजिक के लिए इसमें आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 695 वाला एक 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जिसका अंतिम स्कोर आपको 4.1 lakh के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 पर रन करते मिलेगा एंड ऑक्सीजन OS 12.1 पर वर्क करती है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ इसमें आपको 67W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इस फोन के कैमरा स्टेप के बारे में, तो इसमें आपको पीछे तरफ 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा।
फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी फीचर दी गई है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे एंड उसके साथ साथ HDR मोड, पोर्ट्रेट मोड एंड पैनोरामा मोड जैसे काफी सारे फोटोग्राफिक्स मोड भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके मेन कैमरे में आपको सैमसंग का सेंसर यूज किया गया है। इसके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। LPDDR4X की रैम मिल जाती है एंड स्टोरेज टाइप इसमें आपको UFS 2.2 देखने के लिए मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका रैम एंड प्राइसिंग, जो कि 8GB 128 के लिए आपको 19,999 रुपए पे करने होंगे। उसके बाद बात करते हैं हमारे इसके अगले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आती है iQOO की तरफ से iQOO G7। 20,000 तक के रेंज में इससे बेस्ट स्मार्टफोन आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जो स्पेक्स है काफी टॉप नॉच लेवल के देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें आपको एक 6.38 इंच की AMOLED स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को। 360 हर्ट्ज तक का टच सैमी ग्रेड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा एंड 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 920 वाला एक 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 13 पर रन करते मिलेगा एंड FantasOS 13 पर वर्क करती है। इसमें आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 44 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इस फोन के कैमरा स्टेप के बारे में, तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट को 15 मेगापिक्सल की सेल्फी फीचर दी गई है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे से आप 4K तक के वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे एंड उसके साथ साथ OIS एंड EIS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड साथ ही इसमें आपको IP54 का सर्टिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे हल्की फुल्की पानी की छींटे भी इस स्मार्टफोन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एंड फाइनली स्मार्टफोन के प्राइसिंग की बात करें, तो इसके 6128 के लिए आपको 18,999 रुपए पे करने होंगे। तो फाइनली अब हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे लास्ट एंड तगड़े स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आते हैं Xiaomi की तरफ से Redmi K50i। बट इसके लिए आपको अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 8100 वाला एक मैक्स प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 5nm टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। इस फोन का अंतु स्कोर आपको 8.1 लाख के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 13 पर रन करते मिलेगा एंड MIUI 13 पर वर्क करती है। इसमें आपको 6.6 इंच की एक LCD स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है एंड साथ ही इसमें आपको 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाएगा। सामने की तरफ इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोसेसर भी देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं इस फोन के कैमरा स्टेप के बारे में, इसमें आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा स्टेप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी फीचर दी गई है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे से आप 4K तक के वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे एंड उसके साथ साथ काफी सारे फोटोग्राफिक्स मोड भी देखने के लिए मिल जाते हैं, बट इसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। एंड फाइनली इसके प्राइसिंग की बात करें, तो स्मार्टफोन के 6GB 128 के लिए आपको 20,999 रुपए पे करने होंगे। तो दोस्तों ये था हमारे इसके टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000। आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट लगा कमेंट बताना ना भूले, और हमारी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए प्लीज इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।